सुबह 7 बजे उठ के सुरभि चांदना कर रही है मॉर्निंग योगा और दे रही है सभी को ये अच्छा सा मैसेज। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल सुरभि चांदना सुबह सुबह 7 बजे उठ गई हैं और उठी हैं, उसका रीजन है दैट शी हैज टू डू हर योगा सेशन। लॉकडाउन हो चुका है तो घर पर ही फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, और घर पर ही फिटनेस का ध्यान रखना है तो एक रिजीम, एक रूटीन बनाने की जरूरत है। सुरभि चांदना ने बना लिया है सुबह सुबह योगा का रूटीन, एंड शी इज ऑल्सो टेलिंग द कैलोरीज शी हैज बर्न थ्रू दिस सेशन। ऑब्वियसली योगा किया है, वर्कआउट किया है तो कुछ कैलोरीज भी बर्न हुई है, लेकिन उसके बाद की टिप बहुत असेंशियल है। दरअसल सुरभि चांदना बता रही हैं कि इस तरीके से पैंडेमिक जो फिर से पैर पसार रहा है, उससे बचकर रहने के कुछ टिप्स हम लोग फॉलो करें तो बचे रह भी सकते हैं। जैसे कि विटामिन सी का एक शॉट ले लेना, ये रिपोर्ट्स कहती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर आप विटामिन का एक अच्छा संतुलन रखेंगे बॉडी में तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कोविड शायद आपको ग्रैब ना करे। तो यहाँ पे सुरभि चांदना जो है विटामिन सी का शॉट ले रही हैं, यानी कि शी इज टेकिंग अ ड्रिंक दैट हैज विटामिन सी इन इट। वो शुगर फ्री है, थोड़ी सी ड्रिंक है, और वो बता रही हैं कि किस तरीके से सभी लोग विटामिन सी का सप्लीमेंट लेकर अपनी बॉडी को इम्यून बना सकते हैं, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी ग्रो कर सकते हैं, जिससे वो ज्यादा सेफ रहेंगे और घर पर रहें, घर पर ही कुछ ना कुछ करते रहें, घर पर ही अपने फिटनेस रिजीम्स या फिर अपने जो भी काम है उनको जो है करने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज वॉट वी हैव टू डू नाउ। पैंडेमिक में बाहर जाके हम अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपने घर वालों की सेफ्टी को भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। कल भी उन्होंने कुछ इसी तरीके का मैसेज दिया था, जहाँ पे उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज घर पर रहिए, अगर कोई अर्जेंट काम नहीं है तो बाहर मत जाइए, अपनी नहीं तो अपने पेरेंट्स की सोचिए। खैर, सुरभि चांदना सभी को बहुत ज्यादा इनलाइटन करने की कोशिश कर रही है, एंड वी आर लाइकिंग हाउ शी इज स्प्रेडिंग दीज मैसेजेस एक्टिवली। आप क्या कहना चाहेंगे सुरभि चांदना के इस मैसेज के बारे में, जरूर लिखिए कॉमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।